सो हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर आर्यन यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप अपने फ्री फायर के गेस्ट अकाउंट को रिकवर कर सकते हो। एंड आप सभी लोग को पता होगा, आपको काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसके वजह से आपका गेस्ट अकाउंट डिलीट हो जाता है या लॉस हो जाता है, जिसके वजह से आप अपने गेस्ट अकाउंट को नहीं खेल पाते हैं और आपने उस आईडी पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की होते हैं, काफ़ी सारे पैसे भी लगाए होते हैं। ऐसे में आपका गेस्ट अकाउंट डिलीट हो जाते या चला जाता है तो दिल से काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, आप सभी लोग को पता होगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक वॉच करते रहना। आज के वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने फ्री फायर के गेस्ट अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। अगर आपका भी गेस्ट अकाउंट को रिकवर करना है तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक वॉच करते रहना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, अभी नहीं तो पूरा वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है, तो प्लीज मेरे भाई वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना। वीडियो लाइक करना फ्री होता है तो लाइक कर दिया करो यार। तो चलो आज का वीडियो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, बात करें कैसे आप अपने फ्री फायर के गेस्ट अकाउंट को रिकवर कर सकते हो, तो मैंने इसके रिलेटेड यूट्यूब में काफी सारे वीडियो देखे हैं। वीडियो देखने के बाद मेरे को सिर्फ एक ही ट्रिक के बारे में पता चला जिससे आप अपने गेस्ट अकाउंट को रिकवर कर सकते हो। एंड बात करें कौन सा ट्रिक है, तो आप सभी लोग फ्री फायर वाले को रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो कि यार मेरा गेस्ट अकाउंट डिलीट हो चुका है, लॉस हो चुका है, एंड प्लीज मेरे अकाउंट को फिर से रिकवर कर दो, मैंने उस आईडी पर काफी सारे पैसे लगाए थे, काफी महीनों से खेल रहा हूं, ऐसे वैसे करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो फ्री फायर वालों का। एंड अगर फ्री फायर वाले चाहें तो आपके आईडी को फिर से रिकवर कर सकते हैं। एंड बात करें कैसे फ्री फायर वालों को आप सभी लोग रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो, तो रिक्वेस्ट सबमिट करने के लिए आप सभी लोगों को अपना गेम ओपन कर लेना। सो गेम ओपन होने के बाद आपको सेटिंग में आना, सेटिंग में आओगे तो नीचे में आपको कस्टमर सर्विस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको कस्टमर सर्विस को क्लिक कर लेना है। सो क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा एंड आपको नीचे आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो आपको सेकंड में देखने को मिल जाएगा अकाउंट इशू का, तो अकाउंट इसको क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आप एक अलग पेज में चले जाओगे। सो यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे में तीसरे नंबर पर देखने को मिल जाएगा लॉस गेस्ट अकाउंट का ऑप्शन, सो उसको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फ्री फायर की तरफ से एक आर्टिकल देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पर आप सभी लोगों को लिखा हुआ है कि यार आपका गेस्ट अकाउंट क्यों डिलीट हो जाता है, क्यों लॉस हो जाता है। सो यहाँ पर आप सभी लोग पढ़ सकते हैं एंड इससे तो आपको हमें कुछ भी मतलब नहीं है। नीचे में आना, नीचे में आओगे तो आपको सबमिट अ रिक्वेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर आपको इसको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना आप सभी लोग कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, तो चलो यहाँ पर मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो कंट्री सिलेक्ट करने के बाद नीचे में आपको एक फॉर्म देखने को मिल जाएगा जिसको आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आप फ्री फायर वाले को रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो अपने अकाउंट को रिकवर करने के लिए। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको नीचे आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा योर ईमेल एड्रेस का, तो यहाँ पर अपना आप सभी लोग एक्टिव ईमेल एड्रेस डाल देना। एंड उसके बाद आपको नीचे में देखने को मिलता है फ्री फायर का प्लेयर आईडी, जहाँ पर अपना जो भी आईडी को रिकवर करना चाहता जिसका जो भी प्लेयर आईडी था उसको आपको डाल देना। सो डालने के बाद आपको इन गेम नेम देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको जो भी आईडी में जैसा भी नेम था उसको आप डाल देना। सो डालने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है गेम कॉन्सेंस एंड आपको सेकंड में सिलेक्ट करना है टेक्निकल इशू। सो इतना कुछ करने के बाद यहाँ पर आपको एक डब्बा देखने को मिल जाता है, सो आपको उसको क्लिक करके यहाँ पर टिक लगा देना। टिक लगाओगे उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एंड अब मेन चीज़ है डिस्क्रिप्शन। तो बात करें आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में लिखोगे क्या, तो आप सभी लोग अपना डिस्क्रिप्शन अच्छी तरीके से लिखना कि यार आपका गेस्ट अकाउंट क्यों लॉस हो चुका है, किस प्रॉब्लम के वजह से हुआ है। एंड आप लोग ये लिख लेना कि यार मैं काफ़ी दिनों से अपना अकाउंट खेल रहा हूँ एंड मैंने उस आईडी पर काफ़ी सारे पैसे वैसे लगाए थे, इस तरीके से आप अपने मन से लिख लेना। एंड आप सभी लोग ट्राई करना कि यार इंग्लिश में लिखने के, अगर आप लोग इंग्लिश में लिखोगे तो फ्री फायर वाले आपका प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए आप सभी लोग इंग्लिश में लिख लेना। एंड आपको डिस्क्रिप्शन अच्छी तरीके से लिखना है। सो डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद नीचे में आपको प्राइवेसी पॉलिसी का, तो यहाँ पर आपको टिक लगा देना है। एंड उसके बाद आपको लास्ट में ऐड फाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऐड फाइल को क्लिक करके आप सभी लोग अपने अकाउंट का स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना है। तो इतना कुछ करने के बाद आपको सबमिट को क्लिक कर लेना। सबमिट को क्लिक करने के बाद आपका जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगा एंड आपको एक हफ्ते के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा कि आपको सच में गेस्ट अकाउंट रिकवर होगा या नहीं है। एंड अगर आपको गेस्ट अकाउंट रिकवर होता है तो काफ़ी अच्छा बात है, मैं सच में बताऊँ तो ये ट्रिक 100% वर्क नहीं करता है। आप लोग ट्राई कर सकते हो भाई, फ्री का है, मतलब फ्री में करना, आपको एक भी पैसे नहीं लगता है, तो एक बार ट्राई कर लेना। अगर आपका गेस्ट अकाउंट रिकवर होता है तो काफ़ी अच्छा बात है, नहीं होता है तो आप सभी लोग एक न्यू आईडी क्रिएट करके उसमें आप सभी लोग आगे कंटिन्यू करना, क्योंकि भाई इसमें मैं भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो आप सभी लोग न्यू आईडी क्रिएट करोगे तो आप सभी लोग उस आईडी, अगर गेस्ट अकाउंट रहेगा तो बाइंड कर लेना गूगल या फेसबुक में। अगर आप बाइंड करोगे तो अपना गेस्ट अकाउंट को गूगल या फेसबुक में सेव कर सकते हो, जिसके वजह से आप कभी भी लॉगिन कर सकते हैं, आप उसको खेल सकते हो तो पहले जैसे आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना है। अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कुछ भी पूछना है कमेंट में लिख देना है। और अगर आपको इसी तरीके का और वीडियो देखना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।